दोस्तों सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों ये कथा बहुत ही अच्छी है। इस कथा से हमें पता चलता है कि भाग्य बड़ा है या पुरुषार्थ। चलिए कथा की ओर चलते हैं। आज की कथा है राजकुमारी द्वारा राजा को अपने वश में करना तथा ब्राह्मण का एक सवाल, भाग्य बड़ा या पुरुषार्थ। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है, एक बार पुरुषार्थ और भाग्य आपस में इस बात पर झगड़ रहे थे कि उनमें से कौन बड़ा है। पुरुषार्थ कहता कि बिना मेहनत के कुछ भी संभव नहीं, जबकि भाग्य का कहना था कि जिसको जो भी मिलना है भाग्य से ही मिलता है, इसमें परिश्रम की कोई भूमिका नहीं होती। उनके विवाद ने ऐसा उग्र रूप धारण कर लिया कि दोनों को देवराज इंद्र के पास जाना पड़ा। देवराज इंद्र ने भाग्य और पुरुषार्थ की बातें सुनी। झगड़ा बहुत ही पेचीदा था, इसलिए इंद्र भी चकरा गए। पुरुषार्थ को वे नहीं मानते जिन्हें भाग्य से ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। दूसरी तरफ अगर भाग्य को बड़ा बताते हैं तो पुरुषार्थ उनका उदाहरण प्रस्तुत करता है जिन्होंने मेहनत से सब कुछ अर्जित किया था। इंद्र असमंजस में पड़ गए और किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे। काफी सोच विचार करने के बाद उन्हें राजा विक्रमादित्य की याद आई। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि अपना निर्णय देने के बजाय वे उन्हें राजा विक्रमादित्य के पास भेज देंगे, वे अवश्य कोई ना कोई हल निकाल सकते हैं। यह विचार कर इंद्र ने दोनों को विक्रमादित्य के पास जाने को कहा। इंद्र की बात मानकर दोनों ब्राह्मण का भेष बनाकर राजा विक्रमादित्य के राज दरबार में चल पड़े। विक्रमादित्य के पास पहुंचकर उन्होंने अपना प्रश्न रखा। बोले, राजन आप पृथ्वी पर सबसे बढ़कर ज्ञानी हैं, कृपया आप बताएं भाग्य बड़ा है या पुरुषार्थ। यह सुनकर राजा विक्रमादित्य सोच में पड़ गए। कुछ देर सोच विचार करने के बाद उन्होंने कहा, इस समय तुम दोनों यहां से जाओ, ठीक 6 माह के बाद फिर आना, तब मैं बताऊंगा। राजा की बात सुनकर दोनों ब्राह्मण उन्हें प्रणाम करके वहां से लौट आए। उनके जाने के बाद राजा ने काफी सोच विचार किया, लेकिन वे किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। विक्रमादित्य को यह प्रश्न हल करना था, क्योंकि वे दोनों ब्राह्मणों को उत्तर देने का वचन दे चुके थे। तब उन्होंने मन ही मन विचार किया कि इस समस्या का समाधान देश के नागरिकों के बीच घूम घूम कर निकालना चाहिए। वे अपना राजकाज मंत्रियों को सौंप कर सामान्य नागरिक के वेश में लोगों के बीच घूमने लगे। घूमते घूमते राजा विक्रमादित्य एक नगर में एक बहुत बड़े व्यापारी के पास गए और व्यापारी से प्रार्थना की कि वह उन्हें नौकरी पर रख ले। व्यापारी बोला, कौन सा काम करोगे और कितना वेतन लोगे? राजा बोले, मैं 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं मासिक लूंगा और जो काम कोई नहीं कर सकेगा मैं उसे करूंगा। यह सुनकर व्यापारी ने राजा को अपना नौकर रख लिया। विक्रमादित्य को जब पहले मास का वेतन मिला तो उन्होंने कुछ धन खाने पीने के लिए रखकर बाकी सब दान पुण्य में खर्च कर दिया। इसी तरह कई मास बीत गए। विक्रमादित्य को हर महीने 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं मिलती। वे अपने निर्वाह के लिए रखकर शेष सब रुपए दान पुण्य में खर्च कर दिया करते थे। काम उन्हें कुछ भी नहीं करना पड़ता था, वे बड़े प्रसन्न थे। उन्होंने सोचा, भाग्य का कैसा चमत्कार है, काम कुछ भी नहीं पर वेतन में मिलते हैं 1 लाख सोने के सिक्के। कुछ दिनों बाद व्यापारी समुद्री जहाज पर अपना माल लादकर दूसरे देश में व्यापार के लिए जाने की तैयारी कर बैठा। अपने अन्य सेवकों के साथ उसने राजा को भी अपने साथ रख लिया। कुछ समय तक विदेशों में व्यापार करने के बाद जब वे जहाज पर सामान लादकर अपने देश लौट रहे थे, सहसा उनका जहाज भी समुद्र में फंस गया। व्यापारी ने बड़ी मन्नतें मांगी, भगवान से बहुत प्रार्थनाएं की, लेकिन जहाज टस से मस नहीं हुआ। तब व्यापारी ने
विक्रमादित्य से कहा, तुमने कहा था जो काम कोई नहीं कर सकता उसे तुम करोगे। मेरा जहाज समुद्र में फंस गया है, तुम किसी तरह जहाज को बाहर निकालो। राजा विक्रमादित्य ने शीघ्र ही जहाज की रस्सी पकड़ी और हाथ में तलवार लेकर समुद्र में उतर पड़े। समुद्र के नीचे उन्होंने देखा कि जहाज समुद्री झाड़ियों में फंसा हुआ था। उन्होंने तलवार से समुद्री झाड़ियां काट डाली। जहाज तो चल पड़ा, लेकिन राजा के हाथ से रस्सी छूट गई। वह समुद्र में बहते चले गए। तैरते तैरते वे एक ऐसे द्वीप पर पहुंचे जहां स्त्रियों का राज था। वहां कोई पुरुष नहीं था। उस राज्य की रानी का नाम अंबावती था। वह कुमारी थी। उसे किसी योगी ने बताया था कि एक दिन उज्जैन के राजा विक्रमादित्य यहां आएंगे, वही तुम्हारे पति होंगे। अंबावती बड़ी उत्सुकता से विक्रमादित्य का रास्ता देख रही थी। राजा जब तैरकर अंबावती के नगर में पहुंचे तो उनकी सेवकाओं ने एक तेजस्वी पुरुष के आने की उसे सूचना दी। अंबावती बड़े आदर से राजा विक्रमादित्य को अपने महल ले आई। वह उन्हें देखते ही पहचान गई, क्योंकि योगी के कहे अनुसार राजा को छोड़कर उसके नगर में कोई दूसरा पुरुष नहीं आ सकता था। अंबावती ने राजा के साथ विवाह कर लिया। अंबावती तंत्र मंत्र भी जानती थी। उसने तंत्र मंत्र से राजा को अपने वश में कर लिया। वे अपने राज्य और प्रजा को तो बिल्कुल ही भूल गए, यह भी भूल गए कि वे किस उद्देश्य से निकले हैं। अंबावती की दासी सुधर्मा राजा के लिए रोज पान के बीड़े लाया करती थी। विक्रमादित्य जब खाना खाकर आराम करने लगते तो वह उनके पास पान के बीड़े लेकर आ जाती थी। वह जब भी उनके पास पान के बीड़े लेकर जाती थी, उसकी आंखों में आंसू होते थे। एक दिन राजा ने उनसे पूछ ही लिया, सुधर्मा, जब भी तू मेरे पास पान के बीड़े लेकर आती है, तेरी आंखों में आंसू रहते हैं, बताओ तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों रहते हैं? सुधर्मा बोली, महाराज, ये मेरे आंसू आपके लिए हैं। आप एक धार्मिक एवं प्रतापी राजा हैं। आपकी प्रजा आपके लिए बेचैन है, लेकिन आप यहां अंबावती के जाल में फंसकर अपना कर्तव्य भूल गए हैं। अंबावती तंत्र मंत्र जानती है, अब आपका यहां से छूटना मुश्किल है। सुधर्मा की बात सुनकर राजा विक्रमादित्य के मन में ज्ञान पैदा हो गया। उन्होंने सुधर्मा से पूछा, सुधर्मा, तुम्हारे पास कोई ऐसा उपाय है जिससे मैं यहां से आजाद हो सकूं? सुधर्मा बोली, हाँ हाँ महाराज, एक उपाय है। अंबावती की घुड़साल में एक श्याम कर्ण घोड़ा है। उसका सारा शरीर तो सफेद है, लेकिन दोनों कान काले हैं। आप उसकी पीठ पर बैठकर कहना, चल श्याम कर्ण, उज्जैन चल। यह कहते ही वह आपको उज्जैन पहुंचा देगा। एक दिन राजा विक्रमादित्य ने अंबावती से कहा, आओ हम दोनों श्याम कर्ण की सवारी करें। अंबावती इसके लिए तैयार हो गई, क्योंकि वह इस बारे में बिल्कुल निश्चिंत थी कि श्याम कर्ण घोड़े का भेद राजा को मालूम नहीं है। वह राजा के साथ घोड़े की पीठ पर बैठ गई। राजा विक्रमादित्य ने घोड़े को एड़ लगाई और कहा, चल बेटा श्याम कर्ण, उज्जैन चल। यह कहते ही घोड़ा आकाश मार्ग से उड़ चला। अंबावती ने बाधा डालने का प्रयत्न किया। राजा ने साहस से काम लिया और उन्होंने उसे समुद्र में गिरा दिया। श्याम कर्ण राजा को लेकर उज्जैन पहुंचा। अपने राजा को वापस लौटा देखकर सारे नगर वासियों में खुशी की लहर दौड़ उठी। राजा विक्रमादित्य अपने सिंहासन पर बैठकर फिर से राज्य कार्य चलाने लगे। जब 6 महीने की अवधि पूरी हुई तो दोनों ब्राह्मण पुरुषार्थ और भाग्य अपने फैसले के लिए उनके दरबार में आए। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, अब आप बताएं, भाग्य और पुरुषार्थ में से कौन बड़ा है? राजा विक्रमादित्य बोले, दोनों में कोई बड़ा छोटा नहीं, दोनों बराबर हैं। यह कहकर उन्होंने प्रमाण में अपनी पूरी कहानी ब्राह्मणों को सुना दी और कहा, इस कहानी में भाग्य और पुरुषार्थ दोनों का चमत्कार है। राजा का निर्णय सुनकर दोनों ब्राह्मण संतुष्ट होकर लौट गए। दोस्तों, आप भी बताएं, भाग्य बड़ा है या पुरुषार्थ आपके नजरिए में क्या है?
अपने उत्तर कमेंट में जरूर दें, हमारी कथाओं को शेयर करें और लाइक जरूर करें। जय श्री राम भक्तों।